नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जब सऊदी किंग मक्का जा सकते हैं तो फिर पीएम मोदी की राम भक्ति से एतराज क्यों? जब बीते 9 सालों में पीएम मोदी की कल्याणकारी योजनाओं में धर्म जाति का कभी कोई भेदभाव नहीं देखा गया, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ पीएम मोदी अपने कर्तव्य पथ पर चल रहे हैं तो फिर उन्हें जालीदार टोपी पहनाने की कोशिश क्यों की जा रही है? इसी सोच के साथ देश विरोधी ताकतों ने पीएम मोदी को हमेशा घेरने की कोशिश की, लेकिन इस बार इन चरमपंथियों की औकात दिखाने का काम किसी और ने नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के एक मुस्लिम ने किया है। जी हाँ, पीएम मोदी की आस्था के खिलाफ अनाप शनाप बकने वालों की हैसियत इस बार पाकिस्तानी विश्लेषक कमर चीमा ने दिखाई है। खुलकर कहा कि जब सऊदी किंग मक्का जा सकते हैं तो मोदी राममय क्यों नहीं हो सकते, और इतना ही नहीं, पीएम मोदी की राम भक्ति ने इस्लामिक मुल्कों के दिलों में भी उनके लिए एक खास जगह बना ली है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। सऊदी किंग के मक्का जाने से पीएम मोदी पर क्यों फिदा हुई इस्लामिक दुनिया? अब की बार मोदी विरोधी ताकतों की एक पाकिस्तानी ने बखिया उधेड़ी। यूरोप से लेकर गल्फ देशों तक दुनिया ने अपनाई पीएम मोदी की राम भक्ति। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। 22 जनवरी की ऐतिहासिक तिथि, जी हाँ, जब दशकों के इंतजार के बाद रामलला को गर्भगृह में स्थापित किया जा रहा था, खुद पीएम मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा बने हुए थे। भव्य राम मंदिर की चौखट से जन जन को राम भक्ति की शक्ति से जोड़ रहे थे पीएम मोदी, और उस वक्त पीएम मोदी की राम भक्ति उन्हें मंदिर जाता देख कट्टरपंथी ताकतों ने हाय तौबा मचा दिया। राम भक्त मोदी को मुस्लिम विरोधी बताने लगे थे और पीएम मोदी के हिंदू तीर्थों के दर्शन करने पर भी काफी सवाल भी उठाए जा रहे थे, जिस पर पाकिस्तान के रहने वाले राजनीतिक विश्लेषक कमर चीमा ने मोदी विरोधियों को करारा जवाब दिया। पाकिस्तानी चैनलों पर बैठने वाले और दिखने वाले ये हैं कमर चीमा, जिन्होंने ये कहा कि अगर सऊदी प्रिंस मक्का जा सकते हैं, पाकिस्तानी पीएम मस्जिद जा सकते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन शपथ लेने से पहले चर्च जा सकते हैं, तो फिर पीएम मोदी की भक्ति और उनके अयोध्या जाने पर क्यों हाय तौबा हो रही है? कमर चीमा ने इस बात पर जोर देते हुए ये कहा, ये पीएम मोदी का निजी हक है कि वो हिंदू धर्म को माने, और इतना ही नहीं, पाकिस्तानी हुकूमत को पीएम मोदी के खिलाफ जहर उगलने से पहले किस प्रकार अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, इस पर भी अपनी बात रखी। और इतना ही नहीं, देखिए, एक मुस्लिम पाकिस्तानी होते हुए पीएम मोदी की ढाल बनकर कमर चीमा ने यह भी कहा, जो बाइडेन, इमैनुअल मैक्रो, सऊदी प्रिंस, चीन का राष्ट्रपति सभी भारत के साथ अच्छे रिश्ते करके बैठे हैं, और इसकी वजह यह है कि उन्हें पता है कि भारत उनके लिए कितना महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। पाकिस्तानियों को ये समझना चाहिए कि उन्हें आलोचना करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो भारत में रहने वाले, देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो बीते 9 सालों में पीएम मोदी के विजन को समझ नहीं पाए, या फिर यूं कहें कि चाहकर भी समझना नहीं चाहते, लेकिन पड़ोसी मुल्क में बैठा ये शख्स पीएम मोदी के दिल की बात एक झटके में समझ गया। आज के डेट में देखिए, जो लोग पीएम मोदी की मंदिर नीति को पैसों की वेस्टेज बताते हैं, महंगाई बेरोजगारी का नारा देते हैं, उन्हें आईना दिखाने का काम पाकिस्तानी कमर सीमा ने किया है। खुलकर ही कहा इस बार उन्होंने कि हिंदुओं के लिए अयोध्या सबसे बड़ा धर्म स्थल बन रहा है, ये भारत में हिंदुओं का वेटिकन सिटी बन रहा है, तो हमें इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पीएम मोदी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक और सामाजिक एकता लाना चाहते हैं, ये विकास पर भी फोकस कर रहे हैं ताकि फिर से सत्ता में आ सके। उन्होंने भारत के मुस्लिमों को सलाह दी कि वो इससे फायदा उठाएं, ना कि इसमें राजनीति करें। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ढाल बनकर कमर सीमा ने पीएम मोदी के आलोचकों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। खुद ये माना है कि उनके मुल्क में हिंदुओं की आबादी घटी है और दिन पर दिन घट भी रही है, जबकि भारतीय मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही है। और ना सिर्फ कमर सीमा बल्कि पीएम मोदी की मंदिर नीति ने इस्लामिक मुल्कों का भी दिल जीत लिया। तभी तो देखिए, अबू धाबी से लेकर बहरीन में सनातन की छाप, सनातन का रंग साफ नजर आ रहा है। लेकिन क्या धर्म पथ पर चलकर पीएम मोदी पुनः देश की सत्ता पर काबिज हो पाएंगे अब की बार 2024 में? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद से प्रतिदिन पूरे देश में उमंग और उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। निर्माण कार्य देख देशवासियों में हर दिन एक नया विश्वास पैदा हो रहा था। आज हमें सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है। आज हमें श्री राम का मंदिर मिला है।
गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा हो राष्ट्र, अतीत के हर दंश से हौसला लेता हुआ राष्ट्र, ऐसे ही नव इतिहास का सृजन करता है। आज से हजार साल बाद भी लोग आज की इस तारीख की, आज के इस पल की चर्चा करेंगे, और ये कितनी बड़ी राम कृपा है कि हम सब इस पल को जी रहे हैं, इसे साक्षात घटित होते देख रहे हैं। आज दिन दिशाएं दिग दिगंत सब दिव्यता से परिपूर्ण है। ये समय सामान्य समय नहीं है, ये काल के चक्र पर सर्वकालिक शाही से अंकित हो रही अमिट स्मृति रेखाएं हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि जहां राम का काम होता है वहां पवन पुत्र हनुमान अवश्य विराजमान होते हैं। इसलिए मैं राम भक्त हनुमान और हनुमान गढ़ी को भी प्रणाम करता हूं। मैं माता जानकी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न सबको नमन करता हूं। मैं पावन अयोध्यापुरी और पावन सरयू को भी प्रणाम करता हूं। मैं इस पल दैवीय अनुभव कर रहा हूं कि जिनके आशीर्वाद से ये महान कार्य पूरा हुआ है, वे दिव्य आत्माएं, वे दैवीय विभूतियां भी इस समय हमारे आसपास उपस्थित है। मैं इन सभी दिव्य चेतनाओं को भी कृतज्ञता पूर्वक नमन करता हूं। मैं आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूं। हमारे पुरुषार्थ, हमारे त्याग तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। आज वो कमी पूरी हुई है।